दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट के फैसले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगाई है मुहर, इन फैसलों पर लगी है मुहर। जानते हैं वे फैसले प्रदेश हित में कितने लाभकारी होंगे, तो चले देखते हैं सारी खबर विस्तार से। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मध्य प्रदेश कैबिनेट का आधिकारिक प्रतिवेदन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद ने सीहोर जिले की सनकोटा सिंचाई परियोजना एवं मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना की पूर्व प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः राशि 154.85 करोड़ रुपए एवं 105.72 करोड़ रुपए, कुल राशि 260.57 करोड़ रुपए का परियोजना अंतर्गत वन भूमि आने एवं व्यवस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त किया जाकर सीप अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की सिंचाई क्षमता 8000 हेक्टेयर के लिए राशि 174.94 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इतनी सारी स्वीकृतियां एकदम एक ही पैराग्राफ में उन्होंने पूरी कर दी है। वे हैं दो सिंचाई योजना है, यानी दो मुख्य सिंचाई योजना है, सीहोर जिले की सनकोटा सिंचाई परियोजना एवं मोगर खेड़ा सिंचाई परियोजना। ये दोनों सिंचाई परियोजना के लिए सरकार ने इतनी राशि स्वीकृत की है। वहीं पर मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर को केनरा बैंक से 800 करोड़ रुपए राशि के ऋण, जो कि एक वर्ष के MCLR दर पर है, यानी 800 करोड़ रुपए का जो ऋण लिया गया है वह 13 वर्ष तक देय होगा सरकार द्वारा, और यह साथ ही उक्त ऋण पर कंपनी से 0.50% प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क लेने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो ऋण पर ब्याज लगेगा वह 0.50 लगेगा। दूसरा फैसला है, स्व सहायता समूह को क्षमता के अनुसार मिलेगा गणवेश, ऑर्डर इसके लिए निकल चुके हैं। मंत्रिपरिषद ने सभी ऐसे जिले जहाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग अंतर्गत क्रियाशील एवं सक्षम स्व सहायता समूह है को उनकी क्षमता के अनुसार गणवेश प्रदाय का आर्डर दिए जाने का निर्णय लिया है इस कैबिनेट में। मतलब जितनी भी प्रदेश में स्व सहायता समूह हैं और वे सक्षम हैं, क्रियाशील हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 154 करोड़ रुपए स्व सहायता समूह के लिए आवंटित किया था, जिससे प्रदेश की महिलाओं को बहुत कुछ लाभ मिल रहा है। उसी के तारतम्य में उन्होंने कहा है कि इन सभी स्व सहायता समूह को अब गणवेश प्रदान किया जाएगा। वहीं स्व सहायता समूह द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के अनुरूप 3 माह के भीतर स्टैंडर्ड साइज की यूनिफार्म उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के अनुरूप जिस प्रकार से कक्षा 1 से 8 तक के लिए यूनिफार्म दी जाती है, उसी प्रकार से अब स्व सहायता समूह को भी यूनिफार्म दी जाएगी। तीसरा जो प्रस्ताव है वह है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर में होंगे, जिसके लिए 20 पद स्थानांतरित किए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में राशि 17.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निर्माण कार्य स्वीकृति करने पर परियोजना के पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति 135.21 करोड़ रुपए के स्थान पर 153.09 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इस इंस्टीट्यूट में 20 पदों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर में स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दे दी है। इस प्रकार से इस मेडिसिन कॉलेज के लिए जो पहले राशि आवंटित की गई थी, पहले यह राशि 135.21 करोड़ रुपए थी, उसके स्थान पर अब 153.09 करोड़ रुपए कर दी है और उसके लिए 20 पदों को भी भर्ती करने की बात कही है, तो अच्छी बात है। वही है, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश में संचालित नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में नवीन मान्यता, नवीनीकरण एवं सीट्स वृद्धि की मान्यता में शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं 2019-20 में की गई कार्रवाइयों में नियमों से संबंधित व्यवहारिक समस्याएं अद्भुत हुई है, जिन्हें उदाहरण स्वरूप MSc नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम 50 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अनिवार्य किया जाना है। अर्थात सरकार ने 50 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी बात कही है कि इसे भी अब बनाया जाएगा। वहीं अन्य निर्णय भी लिए हैं। मंत्रिपरिषद ने पशुपालन विभाग का नाम परिवर्तित कर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किए जाने का निर्णय लिया है, यानी पशुपालन विभाग का नाम अब पशुपालन एवं डेयरी विभाग हो जाएगा प्रदेश में। वहीं मंत्रिपरिषद ने हाक फोर्स में सहायक सेनानी के 5 पदों को समर्पित कर 3 उप सेनानी के पदों के निर्माण की स्वीकृति भी दे दी है, तो अच्छी बात है। वहीं मंत्रिपरिषद ने शासकीय मुद्रणालय ग्वालियर इंदौर रीवा को बंद करने एवं शासकीय प्रेस के 495 पदों को समर्पित
एवं 185 पदों को सांख्येतर घोषित करने का निर्णय भी इस मीटिंग में लिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के कार्यालय की स्थापना तथा उसके लिए पदों की भी मंजूरी की जाएगी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार अब चुनाव के बाद में पूरी तरह से एक्शन में आ गई है, क्योंकि पहले वे टेम्परेरी मुख्यमंत्री थे, अब वे स्थायी रूप से मुख्यमंत्री हो गए हैं। लेकिन कोरोना के कारण प्रदेश सरकार भी थोड़े से कम फैसले ले रही है, प्रदेश में हर जगह नहीं जा पा रही है, लेकिन वे वर्चुअल मीटिंग करके प्रदेश के जितने भी फैसले हैं लिए जा रहे हैं, जो कि प्रदेश हित में हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट है kisankhabar.in, तो जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।